गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, कल हमने भोजस से उदार पढ़ाया था, यानी राजा भोज की उदारता। यानी राजा भोज इतने उदार है कि वो जो कुछ उनसे मतलब थोड़ा बहुत जो कोई कुछ सुना देता है वो तो मतलब बहुत सारा उसके बदले में धन दे देते हैं। ठीक, जैसे कि कल एक कवि था जो बहुत गरीब था, ठीक, तो उसने मतलब एक दोहा सुनाया, अपने घर की स्थिति के बारे में बताया, तो उसको राजा बहुत प्रसन्न होकर के इतने उदार हृदय से प्रत्येक अक्षर पर एक एक लाख मुद्राएं दी थी। ठीक, आगे देखिए, आगे भी है, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था कि तदा कोय ब्राह्मणा राजानक सन शिव सन्निधौ प्राय देव। तब कोई ब्राह्मण राजा को शिव के समीप देख करके बोला, देव क्या कहने लगा कि अर्धम दान वैरिड़ा गिरजा परधम शिवास्या हृतम देवेत्यम जगती तले पुरहरा भावे समुन्मीलति गंगा सागर अमरम शशिकला नागाधिपा क्षमातनम सर्वज्ञ अधिस्वरूपम गत्वा मा तो भिक्षा तनम। अर्धम दैनी दान वैरिणाम गिरजया, गिरजा मीन्स होता है माँ पार्वती, और दान लिखा है दानव वैरिड़ा, दानव दानव मीन्स होता है राक्षसों का, ठीक, बैरी बैरी मीन्स दुश्मन, तो राक्षसों के दुश्मन है भगवान विष्णु। ठीक, शिवा से हृतम यानी शिव जी का आधा भाग, शिव से हृतम माने शिव जी का, अर्ध मीन्स आधा, ठीक, शिव जी का आधा भाग दानव बैरी, दानव बैरी अर्थात भगवान विष्णु ने हर लिया, शिव जी का आधा भाग दानव बैरी अर्थात भगवान विष्णु ने हर लिया, दानव बैरी भगवान विष्णु को कहा जाता है। ठीक, और आधा भाग माँ पार्वती ने हर लिया, गिरजा दिया हुआ, गिरजा माने माँ पार्वती होता है। ठीक, और आधा भाग माँ पार्वती ने हर लिया, देवेत्यम जगती तले पूरा अभावे, ठीक, इसलिए जगती तल में यानी पृथ्वी तल में शिव जी का अभाव हो गया, इसलिए पृथ्वी तल में शिव जी का अभाव हो गया यानी शिव जी की कमी हो गई, सम शिव जी का अभाव हो गया, जगती तल में माने होता है पृथ्वी तल। ठीक, फिर लिखा है गंगा सागर अमरम, जिसके कारण गंगा जो है सागर में जा करके छिप गई या मिल गई, जिसके कारण गंगा सागर गंगा जो है यानी शिव जी की जब कमी हो गई पृथ्वी तल में, तो कमी होने के कारण गंगा सागर में, गंगा सागर में, ठीक, और फिर लिखा है अमरम शशिकला, शशिकला मीन्स होता है चंद्रमा, अमरम माने आकाश, ठीक, और जो चंद्रमा है वो आकाश में जा करके छिप गया, और नागाधिपा क्षमातनम, और जो शेष नाग है वो पृथ्वी के नीचे समा गए, ठीक, क्षमातनम पृथ्वी के नीचे समा गए। फिर लिखा है सर्वज्ञता अधिसरता तुम गमत, सर्वज्ञता और अधिसरता तुम में समा गई, ठीक, और तम मातु भिक्षाटन और भिक्षाटन मुझ में आ गया यानी भीख मांगना मुझ में आ गया। फिर से देखिए एक बार, लिखा है अर्थ दानो वेड़ा गिरजा करदम शिव सृतम देवत्यम जगती तले पुरा भावे सम्मुख मिलत, या शिव जी का आधा भाग दानव बैरी अर्थात भगवान विष्णु ने हर लिया और आधा भाग माँ पार्वती ने हर लिया, जिसके कारण इस प्रकार या जिसके कारण पृथ्वी तल में शिव जी की कमी होने के कारण या शिव जी का अभाव होने के कारण गंगा सागर में चंद्रमा आकाश में और नागराज या शेष नाग भूतल में या पृथ्वी के नीचे समा गए, सर्वज्ञता और अधिसुरता, ठीक, सर्वज्ञता और अधिसुरता आप में या तुम में यानी राजा में, किसमें, राजा भोज में। कभी कोई विद्वान है जो कह रहा है, ब्राह्मण, ठीक, कोई ब्राह्मण कह रहा है कि सर्वज्ञता और अधिसुरता आप में आ गई या तुम में आ गई और भिक्षाटन मुझ में आ गया। ठीक, ये था चौथे श्लोक का अर्थ। आगे देखिए, लिखा है राजा तुष्टा तस्मय प्रत्यक्षरम लक्षम गतौ, राजा उससे प्रसन्न होकर के उसको प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दे दी। अन्यथा राजा समुपस्थितां सीता प्राह, अगले दिन
राजा समीप में स्थित सीता से बोले, देवी प्रभातम वर्णे, देवी प्रभात का वर्णन करो या प्रातः काल का वर्णन करो। सीता प्रास, सीता बोली। ठीक, अब बच्चों आज में तो पूरा हो नहीं पाएगा, कल के लिए बहुत कम बचेगा, तो हम कल एक दो श्लोक बचे तो इनको पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आगे हम फिर पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, और आप लोग पढ़ते रहिए और संस्कृत के प्रत्येक श्लोक का अर्थ अपनी कॉपी पे नोट करते जाइए। ठीक है, नहीं फिर बाद में वीडियो ढूंढते फिरोगे कहाँ चला गया जहाँ मैम ने अर्थ बताया था। ठीक है, तो इस अर्थ को पूरा कॉपी पे नोट करते जाइए। ठीक है, जो हम बताते हैं जैसा, और जब आपको पढ़ना हो जहाँ समझ में ना आए अपना कॉपी खोलो, वीडियो देखने से अच्छा है बार बार अपना कॉपी खोलो और उससे पढ़ो। कोशिश करो कि हम निकाल पाते हैं अर्थ की, नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे कल हम फिर पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।